नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसा ब्लॉग लेकर आए हैं जो आपको 500 मनोहारी और आकर्षक लगेगा। यह दृश्य है मनगढ़ भक्ति धाम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रतापगढ़ कुंडा में पड़ता है। इसकी दूरी प्रयागराज से 60 किलोमीटर और कुंडा में स्थित है, सिटी से 7 किलोमीटर की दूरी पर। आप यहां पर निजी साधनों से भी जा सकते हैं, सार्वजनिक साधनों से भी जा सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा। यह प्रवेश द्वार है जो लगभग आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और ऐसा प्राकृतिक दृश्य आपको देखने के लिए शायद ही कहीं। यह हम प्रांगण में आ चुके हैं भक्ति धाम के। यह प्रांगण में बच्चों को आप देख सकते हैं, स्कूल के बच्चों का टूर भी कराया जाता है, बच्चों की एक्टिविटी वगैरह के लिए यहाँ लाया जाता है। और इसकी नक्काशी पर अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी सौंदर्य वाली स्थिति नज़र आएगी। हालांकि मंदिर के अंदर मोबाइल के प्रयोग पर प्रतिबंध था, किंतु आप जैसे लोगों के लिए जो कि अब नहीं पहुंच सकते, उनके लिए मैंने यह एक छोटी सी झलक बनाई थी। ये मंदिर प्रांगण के फर्स्ट फ्लोर से का दृश्य है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके जस्ट सामने 2-3 मंदिरों का निर्माण है, और अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए शाम को जाएं, क्योंकि आपको शाम की झांकी का जो दृश्य देखने को मिलेगा वो बड़ा ही मनोहारी है, बड़ा ही आकर्षक है। आप यहाँ पर जा कर के भारतीय कला, जैसे कि देखिए, अभी मैं चर्चा आपसे कर ही रहा था कि अगर शाम को जाएंगे तो अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितना मनोरम दृश्य है। ये शाम के 6 से 7 बजे की रिकॉर्डिंग है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसके जस्ट सामने एक मंदिर है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ और मंदिर का दृश्य है। और इसके जस्ट प्रांगण में ही बहुत ही मनोरम श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया गया है। मुझे लगता है कि सैटरडे संडे तो खास भीड़ रहती ही है, किंतु प्रत्येक दिन यहाँ पे भीड़ रहती है। और देखिए, यहाँ पे श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया गया है कि वृंदावन में कैसे वो अपनी गोपियों के साथ नृत्य और बांसुरी बजा करके उनका मनोरंजन किया करते थे। कितना ही मनोहर दृश्य है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके जस्ट सामने बहुत बड़ी डिस्प्ले लगाई गई है, जिसमें सारी चीज़ें जो आप अंदर जाकर नहीं देख सकते वो बाहर भी देख सकते हैं। और स्टैचू के माध्यम से भगवान कृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाने की पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे उन्होंने शेषनाग को धूल चटाया था बाल लेने के लिए, अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो वहाँ का दृश्य। और जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो वहाँ पर जानवर भी कितना सुंदर दृश्य देख करके नृत्य किया करते थे, यह इस माध्यम से दिखाया गया है। और सखियों की मूर्ति देखने ही लायक है। शेषनाग को थोड़ा सा अलौकिक डिजाइन में डिजाइन किया गया है, और अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से फुहारे निकाले जाएंगे रेड कलर का, मतलब ब्लड टाइप का ऐसा कुछ। अगर ध्यान से अगर मेरा मोबाइल जूम कर पा रहा हो तो ये देखिए, इनके यहाँ मुँह से निकल रहा है रेड कलर का। और थोड़ा सा और अगर अभी ध्यान से देखा जाएगा कि यहाँ से एकदम फुहारे टाइप के रेड कलर के निकलेंगे। यकीनन आप इसको बहुत ही इंजॉय करने वाले हो। अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो डेफिनेटली आया मैं कह सकता हूँ कि आप इसको बहुत ही इंजॉय करोगे। यहाँ कुछ उसी प्रांगण में यहाँ पे कुछ
वृंदावन की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने का कोशिश किया गया और काफ़ी हद तक, मैं ये कहूँगा काफ़ी हद तक बहुत अच्छी कलाकृतियाँ का प्रदर्शन हुआ है यहाँ पर। निश्चित रूप से आप इसको पसंद करेंगे और आपका बहुत अच्छा समय यहाँ पे बीतने वाला है अगर आप जा रहे हो यहाँ पे तब। और राधे राधे कृष्ण की बातों को राधे राधे कहते हुए।